भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा गोलघर स्थित प्रधान डाकघर पर डाकघर बचत बैंक महामेला का आयोजन किया गया। इस मेगा मेला में सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र सील देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने बताया कि जिन लोगों का डाकघर में खाता नहीं है और बच्चियों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने की जरूरत है, इन सब के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि लोग बचत करने की आदत डालें और देश में बच्चों का जो भविष्य है वह ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि डाकघर में मंडल स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिससे कि उन लोगों को उत्साहवर्धन हो सके और आगे मन लगाकर काम करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय डाक सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। डाकघर की सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, डाकघर में बैंकिंग की भी सुविधा दी गई है। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक मनीष कुमार, प्रवर पोस्ट मास्टर विनय कुमार सहित डाकघर के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, तो किसी को ले जाके पासबुक दिखा सकते हैं कि मेरा कितना निकला है, तो उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए एक कैटेगराइज बना करके हम लोग कि टीवी कैसे खुलवाना है और जो ज़्यादा मतलब सक्षम है इसको दोनों खुलवा करके लिंक कर दें, वो और बेहतर ऑप्शन है। मार्गदर्शन में हम लोग को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारियाँ दी साथियों, हमारे सभी उपमंडल निरीक्षक मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया श्री अभिषेक प्रसाद माननीय पीएलजी महोदय के द्वारा चंद्रा पासवान को तालियों का स्वागत करते हैं। आप प्रशस्ति पत्र और मेडल देते हुए विनोद कुमार साई के द्वारा आप पर पुरस्कार प्राप्त करते हुए मीडिया बंधुओं को ताकि आपका पोर्टल अखबार में छपे, आपका और भी उत्साहवर्धन होगा। मीडिया कर्मी साथी उधर फोटोग्राफी करते हुए सभी हमारे अपना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिखाते हुए मीडिया कर्मी के द्वारा फोटोग्राफी करते हुए कल ये कार्यक्रम हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को एक बार मोटिवेट किया जाए और लोगों को मोटिवेट करके ये कहा जाए कि आपके यहाँ जितने लोग हैं जिनके खाते नहीं हैं या जो बच्चियाँ हैं उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खोलने की ज़रूरत है। जो लोगों को अभी तक बेनिफिट ट्रांसफ़र आ रहा है लेकिन उनके खाते नहीं हैं, क्यों ना उन लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जाए, जिससे कि वो लोग अपनी सुलभ तरीके से अपनी सेवाएं ले सकें और इस देश में जो बच्चियों का भविष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो। लोग बचत करने की आदत डालें, अपनी बच्चियों के लिए पैसा रखें जो भविष्य में उनकी बच्चियों के पढ़ाई के काम आएगा और आगे चल के उनके भविष्य को बेहतर बनाने में काम करेगा। ये उसका इसका मकसद पूरा वही है। पुरस्कार वितरण देखिए, जब सब लोग काम करते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग वेवेज करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं, तो ज़्यादा जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये 6 उपमंडल हैं गोरखपुर में, तो उन लोगों में 3-3 को चुन करके सबसे ज़्यादा काम करने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिससे कि उन लोगों का उत्साहवर्धन हो सके और वो लोग और काम करें। और जिनको पुरस्कार मिला है तो जो लोग कम काम कर रहे हैं शायद उनको भी ये आशा होगी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें सम्मानित किया जाएगा और हम लोगों की ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में? जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों में? मैं लोगों में संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय डाक सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और डाकघर से जुड़ें। अब डाकघर की सेवाएं भी डिजिटल हो चुकी हैं। डाकघर की सेवाएं पुराने तरह की सेवाएं थी, उसके साथ बैंकिंग की सेवाओं को ऐड किया गया है। अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं। जब सारी सुविधाएं चूँकि आपके पास उपलब्ध हैं तो क्यों ना आप लोग जैसे बैंक की सेवा लेते हैं, जैसे कुरियर की सेवा लेते हैं, अगर आप डाकघर की सेवा लेना शुरू करें तो हम आपको बेहतर सेवा देने के लिए कटिबद्ध हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा।